कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले समझौता एक्सप्रेस, व्यापारिक संबंधों और भारतीय फिल्मों पर रोक के बाद अब पाकिस्तान ने एक और नई चाल चली है। पाकिस्तान ने इस बार कश्मीरियों के नाम पर एक कार्ड खेला है। जी हाँ, पाकिस्तान ने उनके चैनलों पर प्रसारित होने वाले ईद के सभी विशेष कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान मीडिया नियामक प्राधिकरण ने मीडिया आउटलेट से कहा है कि बकरी ईद पर विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि ना केवल पाकिस्तान बल्कि इससे कश्मीरी लोगों की भावनाएं भी आहत हो सकती हैं। पाकिस्तान मीडिया नियामक प्राधिकरण ने शनिवार को एक अधिसूचना में कहा है, कश्मीर के साथ एकजुटता को देखते हुए बकरीद को धार्मिकता के रूप में सादगी से मनाया जाएगा, इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि कोई विशेष कार्यक्रम ना हो। बकरीद के जश्न के रूप में प्रसारित होने के कारण न केवल पाकिस्तान बल्कि कश्मीर के लोगों की भावनाओं को भी चोट पहुंच सकती है। साथ ही इसमें पाकिस्तानी टीवी चैनलों को अपने लोगो ब्लैक एंड व्हाइट रखने की सलाह दी गई है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की नौटंकी का ये आलम है कि पाकिस्तान के एक निजी चैनल में कहा गया है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कश्मीरियों के साथ मिलकर मनाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया नियामक प्राधिकरण ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया जाएगा। न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान भी ट्विटर से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी देश से कश्मीर मामले में समर्थन न मिलने पर अब इमरान खान ट्विटर का सहारा ले रहे हैं। रविवार को उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कश्मीर में कर्फ्यू, पुलिस की कार्रवाई और जनसंहार के हालात आरएसएस की विचारधारा को दर्शाते हैं और यह हिटलर की नाजी विचारधारा से प्रेरित है। भारत कश्मीर की जनसांख्यिकी बदलने की कोशिश कर रहा है, क्या दुनिया इसे देखती रहेगी जैसा हिटलर ने जर्मनी के म्यूनिख में किया था। इसके अलावा एक अन्य ट्वीट में इमरान ने लिखा कि मैं हिंदुओं को श्रेष्ठ बताने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की विचारधारा से डरा हुआ हूँ। यह विचारधारा नाजी आर्यन की श्रेष्ठता के समान है। अगर इसे कश्मीर में नहीं रोका गया तो इससे भारत में मुस्लिमों के प्रति अत्याचार बढ़ेगा और पाकिस्तान को निशाना बनाया जाएगा। हिंदू को श्रेष्ठ कहने वाली विचारधारा हिटलर शाही का ही दूसरा संस्करण है। तो देखा आपने कैसे बेबस पाकिस्तान हर तरह की कोशिशें कर रहा है कि वो भारत को गलत साबित कर सके। पाकिस्तान को तो किसी भी देश ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए वह अपनी ही मीडिया का सहारा ले रहा है ताकि वो गलत तरह के प्रोपेगेंडा फैला सके। तरस आता है बेचारे पाकिस्तान पर, क्योंकि भारत में तो अमन है, शांति है और चैन है, लेकिन पाकिस्तान है जो बेचैन हुआ जा रहा है। ऐसी खबरें मैं आपके लिए लाती रहूँ, तब तक के लिए देखते रहो ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।